सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत। मुंबई से सटे उल्हासनगर में शरद युवा संवाद यात्रा कार्यक्रम के चलते आज यहां के कैंप क्रमांक एक के गोल मैदान परिसर में स्थित रॉयल बैंकेट हॉल में राकांपा के युवा अध्यक्ष महबूब शेख ने महाराष्ट्र राज्य में राकांपा सुप्रीमो शरद चंद्र पवार द्वारा किए कार्य के बारे में युवाओं को जानकारी दी। बता दें कि एक राकांपा युवा अध्यक्ष महबूब शेख ने युवाओं का मार्गदर्शन करते हुए बताया को राजनीति में भी युवाओं की साझेदारी बराबर की हो और शिक्षित युवाओं को राजनीति में आकर समाज में लोगों के हित के कार्य करे। और शेख ने कहा कि जितेंद्र आभाट को जेल में डालने ये फैसला सत्ता के चूर में शिंदे सरकार का है और सत्ता का गैर फायदा उठा रही है। हम इसका विरोध करेंगे और पूरे राज्य में हम आंदोलन करेंगे। वही राकांपा प्रवक्ता ने भाजपा विधायक पर उंगली दिखाते हुए कहा को पहले हम विधायक कुमार आयलानी की पत्नी को हराएंगे और बाद में विधायक को। इतना ही नहीं, निकम ने बताया है कि हम पूरे उल्हासनगर से भाजपा का सफाया करेंगे और महापौर राकांपा का ही होगा। इस अवसर पर राष्ट्रवादी जिलाध्यक्ष श्रीमती पंचम ओमी कलानी, राष्ट्रवादी युवा अध्यक्ष श्री नरेश सालवे, युवा नेता कार्याध्यक्ष पंकज त्रिलोचन दानी व हरदीप सिंह की देखरेख में ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। पप्पू कलानी ने कभी पवार साहब का हाथ नहीं छोड़ा। हमारी मजबूरी के कारण हमने गठबंधन कर लिया, पर जाते जाते मैं यही बताऊंगा, मोबा और एमपी की राज्य की सरकार ने हमारे ऊपर दबाव बनाया है। पंकज बिंदो का मैं चाहूंगा कि उठकर खड़े रहे। हमारे कार्याध्यक्ष है अंडरवर्ल्ड से संबंध बन गए, बोले ये अंडरवर्ल्ड का सरगना है, ये अंडरवर्ल्ड की काल तरीके से बात कर रहा है। उल्हासनगर में ये भारतीय जनता पार्टी का आमदार कुमार ऐलानी ने फैलाया। आज ऐसा मैं आपको बताऊं कि राज्य की पुलिस ने उसको क्लीन चीट दे दिया, क्योंकि ये सिंधी युवा है इसलिए इसको दबाना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि ये पूरी युवाओं की फौज इस मैदान में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी को मुक्त करना है उल्हासनगर से। पंकज चंद्रवाणी के ऊपर साहब हमने दारोमदार दिया है। ये पूरे पैनल ने आज गोल मैदान के हालात क्या है, आज कुमार ऐलानी किस तरीके से काम कर रहा है। आमदार को हारेगा पर पहले उसकी पत्नी को जरूर हराएंगे। डॉक्टर वो कभी बीजेपी कभी शिवसेना कभी इधर कभी उधर पलटू नाम की तरह काम करता है। तीसरा नगर सेवक जिसका कोई अता पता नहीं। चौथी मीना ऐलानी को हराने के लिए आज यहाँ पर हमने कार्यक्रम लिया है। मिशन मीना ऐलानी है हमारी, हम मीना ऐलानी को इस बार हराएंगे। मिशन गोल मैदान है, गोल मैदान से भाजपा का सफाया करेंगे, फिर उसको किसी भी तरीके से करना पड़े, दाम दंड भेद किसी भी तरीके से काम करना पड़े। पति बाद में हारेगा, पहले पत्नी को हराएंगे और पहला महापराध और कांग्रेस पार्टी का होगा। साहब उससे कहा कि आप माफी मांगो, ये सिद्धे फडणवीस की सरकार उसको मंत्रिमंडल से हटाने वाली नहीं है, मगर जब तक उसको मंत्रिमंडल से सिद्धे फडणवीस की सरकार हटाएगी नहीं, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस उसका एक भी कार्यक्रम होने देने वाली नहीं है। फोन आया अब्दुल सत्तार के लड़के का कि तुम वहां से क्या बात कर रहे हो, तुम हमारे सिल्लोड में आओ। और मुझे फक्र है कि मेरा प्रदेश का उपाध्यक्ष किशोर मासा आज उसके घर के सामने खड़े रहकर आंदोलन करके आया है सिल्लोड। उसके औरंगाबाद के घर पर भी हमने जो करना किया, मुंबई के घर पर भी किया। जैसा आपने कहा कि जेल में जाने का समय आया, तो हम कुछ बुरा काम करने के लिए जेल में नहीं जा रहे। जेल में तो भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, महात्मा गांधी जी भी गए थे। हम आज के युवा है जिसको गांधी जी की भाषा समझ में नहीं आती, उसको सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और राजगुरु के भाषा में भी समझाना पड़ता है। और वो समझाने के लिए अगर हम जेल में जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। जेल में तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदि गांधी जी गलत थे, सुभाष चंद्र जी गांधी जी गए थे, पांडे जी भी गए थे। आंदोलन का किसी अच्छे काम का गुना होना, दाखिल होना, जेल में जाना, ये उसके लिए फखर की बात है, ये कोई कम पड़ने वाली बात नहीं है। हम कुछ गलत काम के लिए नहीं जा रहे, मगर अगर सामने से मराठी में मन है आणि पुन्हा चांगावर जात नाही, पण जर कुणी आम चांगावर आलं तर आम्ही शिकावं घेतल्याशिवाय आने वाले समय में आप सब लोग नरेश और आपकी युवाओं की अच्छी टीम है। वकील साहब ने बड़ा अच्छा भाषण दिया,
उसके साथ आप सबके पास बड़ा आशीष भी है। आशीष के साथ साथ तो आप सब पप्पू कलानी साहब हो, पवार साहब हो, इनके विचार आप सब तक पहुंचाएंगे, हर क्वालिटी में पहुंचाएंगे। और अगला महापौर और अगला आमदार एनसीसी का बनाएंगे क्या है? क्या आपने रसा हे जे काही दादागिरीचं वातावरण चाललंय याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ता भीक घालणार नाही। आणि अधिकाऱ्यांनी देखील एक गोष्ट लक्षात ठेवावी, हे सरकार काय एक सरकार आलेलं आयुष्यभर नसतं। जर अशा पद्धतीने कोणी चुकीचं काम केलं तर उद्याच्या काळात त्याला हे सगळं भोगावं लागेल। हे सरकार 31 डिसेंबर पेक्षा पुढचा दिवस हा बघणार नाही। मागच्या वेळेस तुम्ही आले होते तेव्हा नरेशची कानफेळणी केली होती, आज ही गर्दी बघून काय वाटतं सर तुम्हाला? गर्दी तर आहेच, पण नरेशला मला जी अपेक्षित कार्यकारिणी नरेश साळवेकडून मी अपेक्षा केली होती ती कारण्याने कार्यकारिणी आणि वर्धाच्या अध्यक्षाची यादी ही नरेश साळवेंनी मला दिली, त्यामुळं माझ्या त्या गोष्टीचा परिणाम झालाय असं मला ह्या मीटिंग मध्ये असेल तर तो माझ्यावर दाखल झाला तर मला त्याची पर्वा नाही। 1000 असे गुन्हे दाखल झाले तरी मला काही त्याची अडचण नाही। नकलीचे जर गुन्हे दाखल होत असतील तर राज ठाकरे साहेबावर 1000 गुन्हे अगोदर दाखल व्हायला पाहिजे, नंतर आमचा नंबर आहे।